मॉर्निंग फ्रेंड्स, ओके आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लाउड बेस्ड बिजनेस कॉल कैसे चला जाता है और उसके फ़ायदे क्या रहते हैं। एक्चुअली ये क्लाउड बेस्ड बिजनेस के बारे में हम बनाना क्यों चाहते थे, क्योंकि अभी जितनी भी नई कंपनी स्टार्ट हो रही है, राइट, वो मार्केटिंग के लिए मोस्टली अपना कॉल यूज़ करती है, फिर एक्सेल सीट में भरेंगे या नोट डाउन डायरी में लिखते रहेंगे। तो इसमें क्या हो जाता है, कभी कभार हम भूल जाते हैं कि वो क्या लिखा है या किसने लिखा रहेगा। जो पहले अपने यहाँ पे टेलीकॉलिंग जॉब कर रही थी, अभी वो दूसरे कोई आ रहा है, तो उसने क्या लिखा है, फॉलो अप लेते वक्त बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। ओके, तो इसमें क्या है कि कस्टमर का मतलब जो रिव्यू आया रहेगा, जो भी है, वो भी पता चल जाता है, प्लस उसका कॉल भी रिकॉर्ड हो सकता है। और मेन चीज़ क्या है कि वो अपने आप सॉफ्टवेयर आपको आगे वाली जो भी एंट्रीज़ है वो भी दिखाती जाती है। तो आज इसी बिज़नेस के बारे में हम लोग सीखेंगे कि ये क्या है, क्योंकि ये छोटा मोटा कॉल सेंटर की तरह काम करते हैं। तो इस वीडियो को आगे और देखने के लिए पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे बिज़नेस से रिलेटेड, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट में क्या जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, तो पहले तो चीज़ हम रजिस्ट्रेशन, बिजनेस स्टडीज़, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप इनके बारे में अगर जानना चाहते हो तो हमें मेल भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट डिटेल में, अभी डिटेल में देखो, पहली चीज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन में क्या बातें आती है, तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये बिज़नेस किसके लिए है। देखो, ये बिज़नेस किसके लिए है, जो नए स्टार्टअप बिज़नेस करते हैं या पहले से बिज़नेस हैं, लेकिन वो उनके पास वो हमेशा अपने कॉल कस्टमर को कॉल करते समय ये मतलब डेटा के ऊपर कॉल करते हैं। ओके, मतलब इंश्योरेंस बिजनेसमैन हो गए, या फिर लोन एडवाइज़र हो गए, या फिर ट्रैवल एजेंसी वाले हो गए, जिनके वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट आते हैं, फिर उनको वो रैंडमली कॉल करना पड़ता है। ओके, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। ओके, मतलब बिज़नेस, तो ये रिलेटेड क्या काम है इसका। तो पहली तो चीज़, जो भी कस्टमर जितने मतलब ऐसे बोलते ना कि भाई एक महीने के बाद कॉल करना, या शाम को कॉल करो, या परसों काम करो, या जो भी है, तो आप जब भी नहीं रहते हो जगह पे या जो भी कॉल कर रहे हैं, तो आपको भी उसका पूरे रात में बैठ के आप पूरा ट्रैक कर सकते हो कि हाँ भाई किसने कॉल मतलब क्या क्या बोला है, क्या रिव्यू दी है, रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, तो वो भी बेनिफिट है। और इसमें क्या है कि कॉल कभी कभार आप अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ना, तो कॉल आपको फॉरवर्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। मतलब जैसे कि आपने कॉल सेंटर में सुना रहेगा, एक ही नंबर पे कॉल आ जाने के बाद, एक नंबर पे करने के बाद आपका कॉल प्रतीक्षा में है, थोड़ी देर के बाद ये डायल कीजिए, 1 डायल कीजिए, 2 डायल कीजिए, ये भी सर्विसेज आप इसमें मतलब ऐड ऑन कर सकते हो ये सब चीज़ों में। तो इसमें बेनिफिट क्या रहता है कि आप 4-5 नंबर पे आप अपना जो भी जितना कॉल है वो पूरा डाइवर्ट करके ले सकते हो, ये सब चीज़ें इसमें हो जाती है। और मेन सबसे बेहतर बात मुझे ये लगती है कि ये सॉफ्टवेयर क्यों अच्छा है, क्योंकि ये पूरा नोट डाउन अपने हिसाब से रखता है, राइट। मतलब आप जैसे फील कर रहे हो, सपोज़ आप वॉइस से भी रिकॉर्ड कर सकते हो कि भाई टाइप कर दिया माइक के बटन पे और माइक को बोल दिया कि भाई ये कस्टमर कॉल नहीं उठा रही, द कस्टमर नेवर गिव एनी आंसर, तो तुरंत वो लिख देगा वैसे। ओके, तो वो आपके लिए भी वो बेनिफिशियरी है कि वो कब भी आप ट्रैक करोगे तो आपको भी पता है कि कस्टमर ये नहीं बोल सकता कि नहीं भाई मैंने तो फ़ोन उठाया था, तेरी बंदी नहीं बोलिया ही नहीं, मुझे ये भी नहीं बोला, वो नहीं बोला, तो वो एक्सक्यूज़ नहीं रहता। और आप एंड ऑफ डे कहीं पे भी हो, आप ट्रैक कर सकते हो ये सब चीज़ों की, ज़रूरी नहीं ऑफिस में जाने के बाद डायरी देखो, राइट। तो ये सबसे बहुत बढ़िया बिजनेस है, तो लोगों को आप ये प्रोवाइड कर सकते हो, आप भी ले सकते हो अपने बिज़नेस के रिगार्डिंग। ओके, और इसमें ये छोटा बहुत किस्तों में, मेन टेरिप भी इसके बहुत कम रहते हैं। ओके, मतलब दूसरों के अलावा, और मेन चीज़ है कि ये पूरा का पूरा मतलब स्ट्रक्चर एक अपने बिजनेस को भी हाई लेवल रिप्रेजेंट कर देता है। तो उसमें क्योंकि देखो, हम हमेशा आपको बताते वक्त भी मतलब पहले वीडियो में बता चुके हैं कि अपने बिजनेस को नोट डाउन करना सीखो, तभी तो जान सकोगे कि क्या गलती है क्या नहीं है। बस ऐसे ही मुंह पे है तो मतलब ही नहीं, फिर वो मुंह पे ही गलतियाँ रहेगी, फिर वो कभी कम नहीं होने वाली आपकी गलतियाँ। तो गलतियों को सुधारना चाहिए, तो ये ऐसे वाले मतलब बिजनेसेस ज़रूरी है ये सब चीज़ों के लिए। तो गैस उसके लिए जो भी आपका प्रोसीजर रहेगा, मतलब आपको अगर ये बनाना रहेगा तो उसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए रहेगी, तो भी आप हमसे कॉल कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन करना चाहिए,
मेन चीज़ तो देखो, मैंने जैसे बता दिया कि आपके कस्टमर के नंबर, फिर आपके उनके फीडबैक्स, उनके मैन्युअली टेम्पलेट भी आप ऐड कर सकते हो, और ये चीज़ें रहती है। फिर रहती है कि रिकॉर्डिंग, किसको कॉल देना है नहीं देना। अगर वो किसी ने कॉल उठाया भी नहीं ना, तो भी वो कॉल मतलब वो कस्टमर अपना खुद का मैसेज रिकॉर्ड भी कर सकता है, तो मैके रिकॉर्ड भी सुन के आप उसको कॉल बैक कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये हो जाता है, जैसे आप नए नए स्टार्टअप बिजनेसमैन हो, तो वो ऐसे वाले कॉल पे कॉल रिकॉर्ड करके आप कभी फ्री हो जाते हो तब आप कॉल बैक भी कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है, वो नहीं सोचेगा कि भाई फलाना, क्योंकि देखो बिजी का मतलब क्या हो जाता है उस टाइम पे, जिस जो भी ये बिजनेस पे करेंगे तो ये हो जाता है कि आप बहुत काम है आपके लिए। लेकिन वही अगर आप खुद के मोबाइल के नंबर पे वो बिजनेस काम कर रहे हैं और फ़ोन आ गए और आपने उठाया नहीं, तो वो मतलब क्या है कि ये बोलेंगे कि भाई इनको कुछ पड़ी ही नहीं भाई, राइट? ऐसे हो जाता, ऐसे वाला। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें। रही बात मार्केटिंग, तो मार्केटिंग बहुत ही ईजी है। आपको नए स्टार्टअप किए हुए जितने भी ऑफिस ले रहे हैं, बस उनके यहाँ पे पहुँचना है। अगर और एक्स्ट्रा फास्ट फॉरवर्ड करना है तो उससे रिगार्डिंग अपना एप्लीकेशन और वेबसाइट बना दीजिए, पूरा काम क्लियर हो जाएगा। और सिक्योरिटी बोलेंगे तो इसमें रिकरिंग इनकम है, मतलब हर महीने में आपको पैसा मिलता है, उसका चीज़ का। तो इसके लिए और डरने की भी ज़रूरत नहीं, और प्रॉफिट तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब ऑलमोस्ट आप अपने पैकेज के ऊपर जितना नंबर उसको लेना चाहता है उसके हिसाब से आप उनको दे के वैसे पैसे कमा सकते हो। अभी ये काम कैसे करें, मतलब आपको अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहेगा उसके रिगार्डिंग, वो लेना रहेगा या बनवाना रहेगा या बेचना रहेगा, ऐसा कुछ आप प्रमोट करना चाहते हैं या जो भी है, तो उसके रिगार्डिंग आप हमें लिख सकते हो, मेल कर सकते हो। फिर मेल आने के बाद हमारी टीम आपसे कॉल बैक करेगी उसके रिगार्डिंग, और जो भी रहेगा आगे के प्रोसेस समझ लेगी। अगर फिर उसके आगे अगर आपका डिसीजन बनता है कि नहीं भाई मुझे काम करना है अब हमारे साथ, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट लेके आप हमारी सर्विसेज भी हायर कर सकते हो, और अपना काम शुरू कर सकते हो। अभी ऑफ